गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद है हर कोई बढ़िया होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, याशी कर रहा होगा। आज है भाई 7 अप्रैल, टाइम हो रहा सुबह का 4:45। हम जा रहे हैं संडे राइड करने अपने ग्रुप के साथ। आज भाई करीब 20-22 लोग आने वाले हैं। बड़ी राइड होगी, बढ़िया, और राइड होगी अपनी जीटी रोड को, क्योंकि जीटी रोड है बढ़िया, एकदम चौकस बनी हुई है। अभी भाई इधर से हम निकल रहे हैं अपना मीटिंग पॉइंट, वही पुराना अपना एक कॉमन जो मीटिंग पॉइंट है भाई कानपुर का जीटी रोड के लिए, मोती झील मेट्रो स्टेशन, वहीं जाएंगे और वहां से भाई फिर गोली बन के ग्रुप के साथ करी जाएगी संडे की अय्याशी। सो भाई ये है व्यवस्था। सुबह सुबह देखो क्या गाने चल रहे हैं मेरे हेलमेट में भाई। भीग जाने दे भीगी रात में। ये देखो भाई मोती झील पहुंचने निकले थे, रास्ते में ये सब मिल गए, लाल बंगले वाले सब, लाल बंगला गैंग, इन लोगों के साथ चले जाएंगे भाई मोती झील। ये मिस्टर प्रवेश जस वाली स्टोरी स्टोरी बनाने लग गए हैं। पहुंच गए भाई हम मोती झील मेट्रो स्टेशन। और जनता आ रही है अभी, जरा यहाँ से जब रेडी वेडी होंगे तब मिलते हैं आपसे। तो भाई चालू हो गए अपने संडे राइड, पहुंच गए हम हाईवे पे। दिखाते हैं आपको कितना बड़ा ग्रुप है आज। इतनी जनता है भाई आज, काफी ज्यादा भीड़, 20-20 लोग आ गए भाई, 20-22 लोग आ गए संडे राइड को। तो भाई बस पहुंच ही गए हम सपना। कौन सपना, मैं किसी सपना को नहीं जानता। ये सपना कौन थी? समय पर यह सपना रेस्टोरेंट, ऑफ कोर्स। पहुंच गए, कहां पहुंच गए? हाँ मेरे थोड़ा आगे है, पहुंचने वाले हैं बस। सपना होटल एंड फैमल, क्या फैमल्ली, फैमल्ली क्या होता है भाई, फैमल्ली। इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग? No, never, not. क्या बात भाई, पहुंच गए। ये भाई ये सेठ जी है। हाँ सेठ जी, काम पहले आलू पहले। पनीर, आईफोन दिखाओ। राइडिंग में जो गाइडेंस मुझे मिलता है सभी भाइयों से, छोटे बड़े जितने भी हैं, निखिल भैया, दीपांकर भैया, प्रवेश भैया एडवेंस हैं, और जो हमारे मार्शल्स और लीड्स हैं वो काफ़ी मतलब अच्छा हमें गाइड करते हैं। जो लोग राइड करते हैं सबका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल सबकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। वो एक मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आपके जितने भी फियर्स होते हैं सब एक साथ सबके साथ ही जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक अपने ऊपर
एक पेशेंट का एक पेशेंट डेवलप होती है और सबके साथ साथ जब आप राइड करते हो तो एक फीलिंग वो ब्रदर और आपको हमेशा सबसे कनेक्ट करके रखते हैं। तरह कई चीज़ सीखने को मिली है, हैंड सिग्नल्स कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, दीज आर थिंग्स व्हिच आई एम एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। बड़ा जोशी लोगों को पहले रात के 12 बजे तक एक बजे तक मैसेज डाल रहे हैं, उसमें दे आर रेडी है ना फ्रेश एंड डेजी ना, कि रात को आप 12 बजे सो लो और उसमें 4:30-5 बजे फ्रेश और अच्छी गाड़ी दे डालो, दैट्स गुड। तो टाइम पर पहले मुझे सीनियर मिला है, एक्सपीरियंस थोड़ा कंट्रोल पेशेंस है। गियर से ना राइड करना इज लाइक फुलिशनेस, आप हाईवे पे निकल रहे हो अपनी जान अपने ट्रेन में रखें, तो स्टार्ट फ्रॉम हेलमेट बूट्स जैकेट्स एंड पैंट जो भी है जितना भी सब जितना अपने आपको अपग्रेड कर सकते हो गियरिंग में करो। रूल्स का जो है बहुत ही फॉलो करते हैं, कहीं ऊपर नीचे इधर उधर नहीं करते, रूल से ही चलते हैं। तो उसे ये ग्रुप दिया तो अपना कट बेसक 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो कट से ही आते हैं, रोड को एकदम कम इधर उधर नहीं करते, सेफली हम लोगों को गाइड करते हैं और कैसे फॉर्मेशन में रहना है, कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे सिग्नल पास करना है और सब कुछ सिखाते हैं। तो ग्रुप में मतलब गाइडेंस और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई गई कि कैसे चलानी है, क्या फॉर्मेशन है, रूल्स। लगी तो लगी। आज एडमिन से मेरे को मौका दिया लीड करने के लिए, तो पहले एक अंदर से नर्वसनेस थी कि कैसे लीड करेंगे, पहले कभी किया नहीं है। सो बेसिकली जो मार्शल्स थे निखिल भैया हो या प्रतीक भैया हो, इन्होंने भी मेरा काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि जहाँ पे मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा था कि यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पे, आगे जो रोड का सिचुएशन है, तो ये आगे आकर करके गाइड करते थे। 19th ऑफ नवंबर जिस दिन इंडिया का फाइनल था वर्ल्ड कप का, तो सारे एक्सपीरियंस राइडर्स से मुलाकात हुई। एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में मेरे को यूनिटी बहुत अच्छी लगती है। इफ़ यू आर राइडिंग 100cc बाइक टू 1000cc बाइक, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि निखिल भैया ने कभी किसी राइडर को मतलब कि वो नहीं किया है कि ही राइड्स अ 1000cc बाइक, और मैंने देखा है कि 1000cc बाइक में उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, बट ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वाह वाह। तो क्या है कि ग्रुप को शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो भाई चालू हो गई अपनी रिटर्न ट्रिप, हो गए अपने संडे राइड, जा रहे वापस घर। अब भाई हमको पहुंचना था जरा थोड़ा टाइम से घर, इसलिए हम अकेले निकल आए हैं, बाकी ग्रुप आ रहा है पीछे आराम से। तो भाई पहुंच गए हम भी अपने घर, और अपनी भी आज की संडे राइड हो गई है भाई, अब फाइनली ख़त्म, और टाइम आ गया ये व्लॉग को ख़त्म करने का। एज ऑलवेज घूमते रहिए, फिरते रहिए, अय्याशी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड वन एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।